खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए मुंबई में आज एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट का जो है वो इंतजाम किया गया है। कैंडल मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला गया है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है चंगेज मुल्तानी जी, उनसे बात करेंगे। चंगेज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये हैवानियत का जो खेल खेला गया है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि अब ये निकम्मी सरकार को जल्द से जल्द रवाना करो, और इनके जो मिनिस्टर जो रास्ते पे आकर के ये बोल रहे थे कि बच्ची का ये धर्म है ये धर्म, अगर धर्म के नाम पे इस तरह लोगों को बांटा जाएगा तो ये हैवानियत कभी रुकेगी नहीं। तो सबसे पहले तो उनको ये सजा देनी चाहिए। आसिफा के साथ जो भी किया गया वो इसलिए किया गया ये बताया जा रहा है कि क्योंकि वो मुस्लिम थी और वहाँ पर दहशत बनाने के लिए इस तरह का खेल जो है वो खेला गया। ये कहाँ तक आपको लगता है कि धर्म के नाम पर जिस तरह से जो खेल खेला गया वो सही है? हैवान का कोई धर्म नहीं होता, हैवान का कोई मज़हब नहीं होता। आज हमारे साथ में हिंदू मुस्लिम सब भाई लोग हैं, हम लोग साथ में आए हैं यहाँ पे। इनका मज़हब का नाम लेकर ये सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो इनको इनकी रोटी सेकने मत दो। इलेक्शन आएगा तो अपना हथियार अपना वोट है, अपने वोट से अच्छी सरकार चुनो। मैं नहीं बोलूंगा ये सरकार चुनो, अच्छी सरकार को चुनो, लेकिन इस सरकार से हाथ जोड़ लिए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से पूरा जो चल रहा है, चाहे बात की जाए कठुआ की, चाहे बात की जाए उन्नाव में भी जो चीज़ें हुई है वो भी कहीं ना कहीं हैवानियत का ही एक दूसरा रूप है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि बच्चियाँ जो है हमारा जेवर है, जिस तरीके से हम हमारे जेवर को गहने को अपने संभाल के रखते हैं उसी तरह बच्चों पर भी ध्यान दें। खास करके मैं अपनी माँ बहनों से अपील करूँगा कि अपने अपने बच्चों को खास करके अलग से लेकर के उनको समझाएं कि भाई कोई भी आदमी, अपने घर का भी कोई आदमी अगर उनके गलत जगह पे हाथ लगाता है, प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है, तो उनको बताया जाए कि बेटा ये सर है, ये आंखें हैं, ये गाल है, उसके नीचे के जो पार्ट्स होते हैं वो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, इस पर कोई हाथ लगाए तो शिकायत करे अपने घर में। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या मांग होगी आप लोगों की ओर से सरकार से कि किस तरह से इंसाफ मिले? जिस बेरहमी से उस बच्ची, मासूम बच्ची, 8 साल की बच्ची का कत्ल किया है बर्बरता के साथ में, उनको सजाए फांसी से अलावा दूसरी कोई मांग नहीं है। उनको फांसी हो और उनका सपोर्ट करने वालों को भी फांसी हो। जी बिल्कुल, यानी फांसी की सज़ा की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करने का जो है वो आयोजन किया गया था। मुंबई भर में यहाँ पर कैंडल मार्च जो है वो किया गया ताकि ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो भी चीज़ें हुई है आसिफा के साथ उसे कहीं ना कहीं न्याय मिले। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय, राष्ट्र न्यूज़, मुंबई।